डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, मुस्ततील की लंबाई, अब क्वेश्चन नंबर टू में है 6 सेंटीमीटर, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू में है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो ये सवाल पहले सवाल से बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जो हमें वैल्यू दी गई है वो पहले की नस्बत ज़्यादा शॉर्ट है। तो हमने चूँकि मालूम करना है मुस्ततील का रकबा, तो ये देखें इसकी लंबाई जो है वो है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो मुस्ततील की चौड़ाई, ये चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, और इस तरह लंबाई के रूप में आप साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ से, ये इसकी लंबाई है। तो हम लिखेंगे मुस्ततील का रकबा, मुस्ततील का रकबा। तो मुस्ततील के रकबे का फार्मूला है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो सीधा सीधा आप लिख देना लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ ज़रब वेड्थ, एल ज़रब डब्ल्यू बी इसको लिखा जाता है, एल ज़रब बी भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे चूँकि उर्दू मीडियम है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो 9 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, ये इधर से भी आप देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। तो 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई चौड़ाई इसकी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 9 3 27 cm स्केयर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्केयर, तो मुरब्बा सेंटीमीटर 27 मुरब्बा सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर लिख देना है मुस्ततील का रकबा बराबर है 27 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप इसका मालूम कर सकते हैं रकबा। तो चलिए इसका दूसरा हिस्सा है कि मुस्ततील का अहाता मालूम करें, लंबाई चौड़ाई वही है, तो हमने लिखना है मुस्ततील का अहाता, इसका फार्मूला 2 × लंबाई जमा चौड़ाई, उसमें मल्टीप्लाई है, इसमें ऐड की एडिशन की अलामत है, यहाँ पर जमा है, उसमें ज़रब है, यहाँ पर जमा है। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 × लंबाई हमारे पास है 9 सेंटीमीटर 9 cm और चौड़ाई है 3 cm। तो ये देखें 9 इसकी लंबाई थी, हमने 9 लिख दिया, चौड़ाई इसकी 3 है, तो हम 3 लिख रहे हैं, तो 7 सेंटीमीटर भी ज़रूर लिखना है। तो इस तरह से पहले चूँकि ब्रैकेट वाला हिसाब करते हैं, इनको जमा कर लेते हैं, 9 + 3 = 12 हो जाएगा, ब्रैकेट को वैसे ही रहने देना है, 12 cm, और ब्रैकेट का मतलब चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो 12 × 2 = 24, यहाँ पर 24 cm साथ ऐसे ही लिख देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पस मुस्ततील का अहाता। इस तरह से ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप इसका अहाता मालूम कर सकते हैं। एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं, सबसे पहले मुस्ततील की लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर है, और इसका अहाता मालूम करना है। तो मुस्ततील का अहाता का फार्मूला आपने लिखना है 2 × लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई की जगह लंबाई को दर्ज कर देना, चौड़ाई की जगह चौड़ाई को दर्ज कर देना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों को जमा कर देना है। पहले जमा करने से 12 बन गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 आ गया। तो यहाँ पर साथ लिख देना है पास मुस्ततील का अहाता, और साथ यहाँ पर लिख देना है इसका आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, वॉच करने का शुक्रिया, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा।